सो वेलकम और वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो ऑन आवर चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? तो भाई आज हम खेलने वाले हैं अपना GTA 5, उसकी कुछ गेम प्ले वीडियोज आने वाली है अभी फ्यूचर के अंदर। आई होप कि आप सबको वो वाली पसंद आएंगी। तो चलिए आज का गेम प्ले शुरू करते हैं। अगर आपको ये वाला पसंद आए तो डू लाइक चैनल सब्सक्राइब। चलो तो भाई आज हम वापस आ चुके हैं GTA 5 की दुनिया में, और इसको चाहिए नई गाड़ी। ठीक है, नई गाड़ी क्यों चाहिए वो इसकी बात। और ये देखो भाई टायर्स देखो यार, ये पहली वाली गाड़ी है इसकी। ओके भाई इसकी अलॉय मैं पहले चेंज करवाऊंगा, मेरे को बहुत बुरे लग रहे हैं। पहले मैंने पता नहीं यार क्यों करवा ली थी इसके अंदर, रियली डोंट नो। और पहले है ना अपन सीधा इसी के पास चलते हैं। रास्ते में से है ना मेरे को प्रीमियम मोटर डिलक्स से गाड़ी उठानी है एक, जो कि मैंने स्पेशली इम्पोर्ट कराई है। वो देखते हैं यार उनके पास आई है या नहीं आई है। ठीक है अभी भाई अपना माइकल सूट बूट पहन के बिल्कुल तैयार है। सिटी में ज़्यादा रोक भी नहीं है आजकल, पता नहीं कहाँ गए हैं। पहले यार इसके ये चेंज करवा, अलॉयज बहुत ख़राब है उसके। ठीक है ओके चलो पीछे वाला तो लगा हुआ है, चार का कर देते हैं यार इसकी ना, डुअल टिप लगा हुआ है। नहीं ना यार कदर तो करा नहीं। इसके ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा मैं, मेरे को बस इसका एक तो टायर चेंज कराने हैं, व्हील्स व्हील्स स्पोर्ट पे जाओ। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, टायर्स एनहेंसमेंट, टायर स्मोक, टायर डिजाइन, कस्टम टायर बांध दो भाई। टायर स्मोक नहीं चाहिए हमें, विंडोज लीमो, हाँ वो और क्या चाहिए बस हो गया। सस्पेंशन अबे टोटल डाउन, स्पॉयलर चाहिए, स्कर्ट्स लग गई हैं। चलो निकलते हैं अब अपन फटाफट चलते हैं यार अपने डीलरशिप पे, वहाँ पर आई थिंक अपनी गाड़ी होनी चाहिए। अबे यार ये बार बार सेव पता नहीं क्यों मांगता है। अरे इसकी नंबर प्लेट भी चेंज करवानी थी। एक सेकंड मैं पहले डीलक्स ये रही अपनी डीलरशिप वहाँ जाते हैं। अरे दूसरी तरफ से रास्ता, ओके वी गो भाई। अभी देखते हैं स्पीड वगैरह क्या कुछ सीन है। तो हाँ अभी आएगा मज़ा खेलने भाई, स्पीड तो काफ़ी अच्छी जाती है भाई इस गाड़ी की, गाड़ियों की भी वो 150 के आसपास चढ़ पा रही है। और जब अपन लेके आने वाले हैं ना भाई उसकी भी काफ़ी जाएगी ज़्यादा स्पीड, जहाँ तक मेरे को लगता। बस पहुँचने वाले हैं और वहाँ जाके अपने को पता करना है कि वो गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। आई हुई है तो आई, देखते हैं। और भाई साहब अपने अपने पास बहुत गाड़ियाँ हो चुकी हैं, पैसा भी बहुत है। क्या आगे भाई क्या बात, ये आज भी बंद है, चक्कर क्या है भाई? गाड़ी वाड़ी कहाँ खड़ी है अपनी? बात करके आते हैं भाई सिंगम से। भाई वो तो है ही नहीं, हाँ कहाँ भग गया वो, गाड़ी एक ही खड़ी है इधर, इसमें तो नहीं है कहीं वो यार, इधर भी नहीं है वो। चलो कोई नहीं अभी आ जाएगा तो देखते हैं और वेट करते हैं अभी उसकी। यार अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है। तो भाई अभी भी ये मैं अभी आया नहीं है यार एक्चुअली, ये सिमियोन अब तक आया ही नहीं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अच्छा ले अब तेरे अलावा और कौन काम कौन कर रहा है इधर। और भाई बात बताऊँ तो अपनी गाड़ी आ चुकी है, इसके शोरूम में लगी हुई है। पहले थोड़ी देर पहले तो जैसे इसका शोरूम खुलता तो हमने थोड़ी देर यहाँ वेट किया, हमारी गाड़ी जा चुकी है वापस। ये देखो यहाँ पर यार कुछ ये नकली नकली गाड़ी लगा के बैठा है अपनी, देखते हैं। ये इसके पास है ही ऑलरेडी माइकल के पास, और वो रही अपनी चमचमाती नई गाड़ी यार, कैसी लग रही है देखो भाई, मस्त नहीं लग रही है देखो।
पूरा वॉक अराउंड देता हूँ उनको भाई साहब, मस्त भाई। चलो इसको एक बार यहाँ से बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं कैसी क्या कुछ लगेगी भाई। काफ़ी देर वेट करने के बाद ये वाली गाड़ी आई है फाइनली, और इसकी कॉस्ट भी बहुत महंगी है, क्योंकि तो भाई ये देख रहे हो, ये स्टॉक निसान GTR नहीं है, ये एक्चुअली अपग्रेडेड GTR है। ठीक है, ओके हियर वी गो। ये पता नहीं साले कौन क्या घेर के निकला हुआ है यहाँ से, हट बीच में छोड़े गए हुआ इंसान भाई। इसको भगा के देखते हैं एक बार, भग तो सही रही है यार ये इसकी यार। एक इसको लॉस सैंटोस कस्टम में लेके जाएं या बेनिस के पास लेके जाएं, क्या बोलते हो यार? बेनिस का गैरेज कहाँ है, मेरे को ये भी नहीं पता है यार। चलो कोई नहीं, बेनिस का भी देखेंगे। अभी अपन चलते हैं फटाफट LS कस्टम्स, वहीं जाके इसको अपग्रेड करते हैं, देखते हैं कैसी क्या कुछ लगेगी वहां पर। इसके अंदर थोड़ा बहुत अपग्रेड करने के बाद पता लग जाएगा। अभी तो भाई ज्यादा तेज नहीं चल पा रही है ये, देख सकते हो। और इसके साथ साथ यार अपने को यार फ्रैंकलिन के लिए भी एक नई गाड़ी चाहिए, वो भी ले लेंगे। ओके हियर वी गो। तो भाई गाड़ी देख देख रहे हो यार, दिखने में तो काफी बढ़िया लग रही है। इसको मैं सोच रहा हूँ प्योर ब्लैक करा लेते हैं, तो वाइट तो लगी रही है अच्छी, बट मैं सोच रहा हूँ एक पूरी ब्लैक कराना, गैरेज बनाना चाहता हूँ। ओ भाई सालों नुकसान करा दिया महंगा, बट ये बात है कि अपनी गाड़ी में थोड़ा बहुत अभी आर्मर लगा हुआ, तो उसके कारण ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है इसमें। अगर आर्मर वार्मर ना हो तो अब तक उड़ जाती है भाई। साइड में बाकी देखो डेंट वेंट पड़ चुके हैं। चलो LS कस्टम्स, यहाँ पर क्या चल रहा है? वाह यार इसके अंदर भाई ने नंबर प्लेट लगाने की भी जगह नहीं दी कंपनी वाले, देख रहे आ चुके हैं भाई साहब। यार ये गाड़ी यार इसका फ्रंट बम्पर भी गायब कर रखा है, वो आया ही नहीं है शायद। ओके ब्रेक्स, इंजन भी फुल अपग्रेड, लाइट्स हेडलाइट्स ज़ेनॉन लाइट्स, नियॉन किट नहीं चाहिए, येलो ऑन ब्लैक स्प्रे लिवरी। एक सेकेंड, अब यार स्टॉक करा लूँ क्या? मैं सोच रहा हूँ स्टॉक लिवरी करा लेते हैं। ठीक है, सस्पेंशन टोटल डाउन, ट्रांसमिशन फुल, टर्बो वाइस, व्हील्स ठीक है, व्हील्स अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं इसमें। अभी इसका एक ये देखना भाई, इसके साथ इसके ये वाले भी होते हैं भाई, गज लगेंगे तो गजब। और आई थिंक पीछे वाली लाइट्स भी स्मोक हो चुकी हैं। हाँ और तो कुछ होगा नहीं अभी इसमें, आप देखो भाई। एक सेकेंड, इसको प्योर ब्लैक करा के देखो क्या, प्रॉपर ब्लैक कैसी लगेगी। अब अपने को वापस लेनी है, खोल ले साले भाई, ये गाड़ी नीचे भिड़ रही है क्या? ओके भाई एक बार इसको प्योर ब्लैक भाई, मैं सोच रहा हूँ प्योर ब्लैक करा लेते हैं। रिस्प्रे पूरा नहीं कर सकते क्या इसको रिस्प्रे? अरे पूरा अवेबल ही नहीं है भाई, इसके ऊपर पेंट ये सिर्फ वाइट में ही रहेगी। ओ भाई ये बात होगी गाइस, आप सब यार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वाली गाड़ी कैसी लग रही है। मेरे को तो यार दिखने में मजाक की बात नहीं है, बहुत तगड़ी लग रही है। और जब अबे यार अभी ये चलेगी ना रोड पे तो नीचे भिड़ेगी, और अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि भाई मेरे गैरेज में जगह है या नहीं। चलो एक बार जाके चेक करते हैं, वहाँ नहीं हो तो किसी और गैरेज में इसको पार्क कर देंगे, या वहाँ वाली किसी गाड़ी को कहीं और भेज देंगे। और एक चीज देखिए आपने, इसके साइड में से व्हील के साइड में से इन्होंने साला पतरा काटा हुआ है, इसलिए उन्होंने थोड़ा गलत माल चिपका दिया, बट ये है लग अच्छा रहा है। अबे साइकिल क्या कर दी बे, अरे जिमी राम ज्यादे
ये जिमी साला, ये देख रहे हो गाड़ियां, देखो भाई एक तो ये देखो भाई, क्या ही लग रही है ना। Hey Jim. Hey Dad. Oh jeez. क्या बात, तेरे को भी ज्यादा अच्छी लग रही है क्या गाड़ी ये? मैं क्या बोल रहा हूँ, अबे ठोक दी ठोक दी। दोनों गाड़ी साइड में साइड बाय साइड खड़ी करके देखते हैं कौन ज्यादा अच्छी लग रही है। अबे भाई साहब मजेदार, एक बार वो वाली गाड़ी और निकाल के लाता हूँ। एक तो ये जिम है ना, रास्ते के बीच में अपनी वो साइकिलें पार्क करता है। ये खड़ी है अपनी GTR, और ये देखते हैं कौन सी गोटी है, गोटी फरारी का कोई मॉडल है। भाई एनी डे मैं कहूँगा भाई मेरी GTR ही अच्छी लग रही है मेरे को तो। भाई साहब यहाँ पर क्राउच करके नहीं बैठ सकते क्या? अबे साले जब भाई देख रहे हो पीछे से, अब देखो भाई भाई कितनी ही अच्छी लग रही है। तो भाई अगली वीडियो के लिए भी वेट करना, अभी आई होप कि आप सबको आज वाली वाली वीडियो पसंद आई होगी। ए सुना सुन तो दे ट्रबाको। ओके साले क्या बोलने जा रहा है, ये अंदर कर देते हैं अपन, ये लग गई और साथ में ये भी लगा ही देता हूँ, पड़ी रहेगी अपने साथ ही। साइड बाय साइड खड़ी कर देते हैं दो गाड़ियों को, ये यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी दोनों। अरे हाँ अब भाई मेरे को तो मजेदार लग रही है भाई दोनों गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ लग चुकी हैं वहाँ। ये मेंडाई कार, एक सेकेंड अब ऊपर जाके ना फटाफट से थोड़ी देर सो लेते हैं क्योंकि भाई गाड़ी लेके आने में ना काफी टाइम लग गया आज हमें। भाई साहब चलो इट्स टाइम टू, भाई कहाँ गोलियां चल रही हैं।